हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। ये वीडियो खासकर गर्ल्स के लिए बनाई जा रही है। अगर आप एक स्कूटी खरीदने की सोच रहे हैं, ऐसे में अगर आपकी हाइट भी थोड़ी सी कम है, ये उनके लिए खासकर ये वीडियो बनाई जा रही है। और यहाँ पे इस वीडियो में जिनकी हाइट केवल कम है उन्हीं के लिए नहीं, बल्कि अगर आपका हाइट मीडियम है या फिर अगर आपका हाइट ज्यादा भी है तो उसी के हिसाब से मैंने स्कूटर यहाँ पे लिस्ट किया है। जिन स्कूटर्स की सीट हाइट थोड़ी सी ज्यादा है वो पहले मैं आपको बताऊंगा, और जिस स्कूटर की सीट हाइट सबसे कम है और सबसे हल्की भी है उसकी जानकारी आपको नेक्स्ट बाय नेक्स्ट देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और आपको एक तरीका बताएंगे आप स्कूटर कैसे परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे रखा है हीरो कंपनी के मेस्ट्रो 110 को रखा है। ये 110 सीसी में स्कूटर आती है, तो ज्यादा टेक्निकल बातें यहाँ पे नहीं करेंगे। जो फीचर्स मिल जाते हैं, जो सीट हाइट है और माइलेज क्या देती है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें आपको हैलोजन हेडलैम्प मिलेगा, यहाँ पे डिजिटल एनालॉग मीटर कंसोल मिलता है, और जितना ही कम आप फीचर वाली स्कूटर लेंगे उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतना ही कम आएगी और उतना कम ही वो खराब होगी। ज्यादा फीचर्स के साथ आप जाएंगे तो आपके पैसे ज्यादा लगेंगे। इसमें मोबाइल चार्जिंग के लिए यूएसबी चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है, स्मार्टफोन आप चार्ज कर सकते हैं। माइलेज की अगर बात करें तो 45 से 50 kmpl तक इसमें आपको माइलेज मिल जाएगा। अगर आप ज्यादा भीड़ वाले एरिया में चलाते हैं तो 45 मिलेगा, अगर आप थोड़े से हाईवे जाते हैं तो वहाँ पे आपको 50 का माइलेज आराम से मिल जाएगा। बाकी जो इसकी सीट हाइट है 775 mm की है, फ्यूल टैंक 65 लीटर की है, और इसका जो कर्व वेट है 112 kg है। तो इसकी सीट हाइट तो कम है, लेकिन जो इसका वेट है वो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है। तो थोड़ी सी भारी स्कूटर है, अगर आपकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी अगर इतना वेट तक आप स्कूटर चला सकते हैं तो इसको आप ले सकते हैं। बाकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी एक्सरूम दिल्ली में प्राइस 68,816 यानी कि 68,816 रुपए तक है, लेकिन इसकी जो ऑनरोड प्राइस है 81,000 रुपीज यानी कि 81,000 रुपए तक है, जो कि इसके बेस मॉडल की प्राइस है। तो मेस्ट्रो खरीदने के लिए आपके पास इतना बजट होना चाहिए, लेकिन वही अगर आपको थोड़ी सी हल्की स्कूटर चाहिए, दिखने में थोड़ी सी अच्छी हो, तो ऐसे में आप यामाहा कंपनी की फसिनो लेते हैं। काफी क्यूट से लुक के साथ ही मिल जाती है, लेकिन ये 125 सीसी में आएगी, इसमें आपको पावर ज्यादा मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन मिल जाता है, वही इसमें आपको मीटर कंसोल डिजिटल में देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी ऑप्शनल मिल जाएगा। बाकी माइलेज की बात करें तो इसमें भी आपको 45 kmpl तक माइलेज मिल जाएगी आराम से। बाकी जो इसकी सीट हाइट है 780 mm की है, फ्यूल टैंक 5.2 लीटर की है, इसका जो कर्व वेट है 99 kg है। तो इसकी जो सीट हाइट है थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका जो वेट है वो काफी कम है। तो काफी हल्की स्कूटर आपको मिल जाती है, खासकर गर्ल्स के लिए काफी परफेक्ट स्कूटर होगी। प्राइसिंग की अगर बात करें तो इसकी जो ड्रम ब्रेक वेरिएंट है उसकी एक्सट्रीम प्राइस 79,100 रुपीज से स्टार्ट होती है, जिसकी ऑनर प्राइस लगभग 92,000 यानी कि 92,000 रुपए तक है। लेकिन अगर आप डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ जाएंगे तो 90,030 रुपीज से इसकी एक्सट्रीम प्राइस स्टार्ट होती है, और इसकी जो ऑनर प्राइस है लगभग 102,700 रुपीज तक चली जाती है। तो इस प्राइस रेंज में आपको यामाहा कंपनी की फसिनो मिल जाएगी। आगे जो फिफ्थ नंबर पे है, यहाँ पे आपको सुजुकी कंपनी की एक्सेस मिल जाती है, क्लासिक लुक के साथ ही आपको मिल जाएगी। काफी सारे अच्छे अच्छे कलर ऑप्शन भी इसमें दिए गए हैं। 125 सीसी में ये भी आपको स्कूटर मिल जाती है। बाकी जो फीचर्स है वो काफी सारे मिल जाते हैं। बेस मॉडल में एनालॉग मीटर मिलेगा, टॉप मॉडल में आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ भी आपको मिल जाएगी। बूट में स्पेस मिल जाता है, काफी सामान आप रख सकते हैं। यूएसबी पोर्ट भी दिया गया है सामने के साइड, जहाँ पे आप मोबाइल भी रख सकते हैं और मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर मिल जाता है, क्योंकि आजकल मोबाइल सभी लोग यूज करते हैं। बाकी जो माइलेज है इसमें भी आपको 45 kmpl तक माइलेज मिल जाएगी सिटी के अंदर। वहीं इसकी जो सीट हाइट है 773 mm की है, फ्यूल टैंक 65 लीटर की है, उसका जो कर्व वेट है 103 kg है। जो इसकी सीट हाइट है वो आपको मेस्ट्रो से थोड़ी सी कम मिल जाती है, लेकिन एक्टिवा अगर आप देखते हैं उसके बारे में आगे जानकारी आपको देंगे तो एक्टिवा से इसकी जो सीट हाइट है थोड़ी सी ज्यादा है। बाकी प्राइसिंग की बात करें तो बेस मॉडल की प्राइस 79,600 यानी कि 79,600 रुपए से स्टार्ट होती है, जिसकी ऑनर प्राइस लगभग 93,600 रुपीज तक होगी। वही इसके जो टॉप मॉडल की एक्सम प्राइस है वो 90,000 रुपीज है, और इसकी ऑनर प्राइस 104,600 रुपीज तक चली जाती है। तो ये आपको थोड़ी सी महंगी जरूर मिलेगी, क्योंकि इसमें फीचर्स काफी सारे मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको एक्सेस पसंद आती है तो जरूर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हाइट काफी छोटी है तो फिर आप इसको ना लीजिएगा। आगे आप चौथे नंबर पर ले सकते हैं टीवीएस कंपनी की जुपिटर, और 110 सीसी के साथ जाइएगा, क्योंकि आपको सस्ती मिलेगी और इसमें आपको माइलेज भी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन इसमें काफी सारे वेरिएंट मिल जाते हैं। तो कम फीचर वाले वेरिएंट के साथ जाएंगे तो आपके बजट रेंज के अंदर भी आ जाएगी। सीट हाइट लगभग आपको स्पेसिफिकेशन इंजन सारे सेम मिल जाएंगे, वहाँ पे कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। तो वेरिएंट वाइज अलग अलग फीचर मिल जाता है। बेस मॉडल में एनालॉग मीटर मिलेगा, वहीं अगर आप ZX लेते हैं तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड फीचर मिल जाता है, फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है। बाकी जो माइलेज है इसमें आपको काफी अच्छी मिल जाएगी, 55 kmpl तक माइलेज मिल जाती है, लेकिन सिटी में आपको 50 kmpl तक ही माइलेज मिलेगी। वहीं इसकी जो सीट हाइट है 765 mm की है, फ्यूल टैंक 36 लीटर की है, इसका जो कर्व वेट है 107 kg है। तो इसकी सीट हाइट आपको एक्टिवा के जितना देखने को मिल जाती है, जैसा कि एक्टिवा अगर आपने कभी चलाया होगा उसी की सीट हाइट इतना इसका भी सीट हाइट है।
बाकी प्राइसिंग की बात करें तो सबसे बेस मॉडल का एक्सम प्राइस 73,240 रुपीज से स्टार्ट होती है। उसकी जो टॉप मॉडल है 89,648 रुपीज तक जाती है। बाकी जो इसकी ओनो प्राइस है वो 86,905 रुपीज से स्टार्ट होकर 104,940 रुपीज यानी कि 86,905 रुपए से लेकर 104,940 रुपए तक इसकी ऑनर प्राइस चली जाती है। इस प्राइस रेंज में इसके सभी वेरिएंट आपको मिल जाएंगे। बाकी इस लिस्ट में जो थर्ड नंबर पे है हीरो कंपनी की प्लीजा प्लस ले सकते हैं। खासकर गर्ल्स को इसका जो लुक और डिजाइनिंग है वो काफी पसंद आता है। ये 110 सीसी के साथ आती है। इसके अलावा इसमें काफी सारे वेरिएंट मिल जाते हैं। तो इसमें एनालॉग मीटर और कनेक्टेड फीचर वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसके सीट के नीचे स्टोरेज मिल जाता है। फ्रंट में ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। यूएसबी चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए। बाकी इसमें भी आपको 50 से 55 केएमपीएल तक माइलेज मिल जाती है। ट्रैफिक में आपको 50 केएमपीएल तक माइलेज मिलेगी। बाकी जो इसके सीट हाइट है 765 एमएम की है। फ्यूल टैंक 4.8 लीटर की है। इसका जो कर्व वेट है 104 केजी है। तो इसका भी जो सीट हाइट है जुपिटर जितना ही है, लेकिन ये जुपिटर से थोड़ी सी हल्की है। तो इसके प्राइसिंग की बात करें तो एक्सम प्राइस 70,338 रुपीज से लेकर 82,238 रुपीज तक है। बाकी जो इसकी ऑनर प्राइस है 83,900 रुपीज से लेकर 95,800 रुपीज तक, इसके बीच में आपको सभी वेरिएंट प्लीजा प्लस के देखने को मिल जाते हैं। वहीं इस लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर स्कूटर है, इंडिया में सबसे ज्यादा बेची जाने वाली स्कूटर है, वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो सभी इसे चलाना पसंद करते हैं, जो कि होंडा कंपनी की एक्टिवा है और 110 सीसी की बात कर रहे हैं। इसमें आपको बेसिक सा फीचर मिल जाता है जिसके वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम इसकी आती है। एनालॉग मीटर मिल जाएगा, लेकिन इसमें अब एक एच स्मार्ट का फीचर दे दिया गया है। स्मार्ट की आपको मिल जाता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। बाकी सीट के नीचे स्टोरेज मिल जाती है कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, लेकिन इस स्कूटर में आपको मोबाइल चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। माइलेज की बात करें तो 52 केएमपीएल तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाती है, लेकिन ट्रैफिक में जलाएंगे तो 45 से ज्यादा इसमें आपको माइलेज नहीं मिलेगी। बाकी जो इसकी सीट हाइट है 765 एमएम की है। फ्यूल टैंक 5.3 लीटर की है। इसका जो कर्व वेट है 105 केजी और 106 केजी है। तो इसकी जो सीट हाइट है जुपिटर 110 जितना ही है, लेकिन जुपिटर 110 के मुकाबले में लगभग 1 से 2 केजी हल्की है। वहीं इसके प्राइसिंग की बात करें तो 76,234 रुपीज से लेकर 82,234 रुपीज तक इसकी एक्सम प्राइस है, जिसकी ओनो प्राइस 88,100 रुपीज से लेकर 95,200 यानी कि 88,100 रुपए से लेकर 95,200 रुपए तक इसकी ऑनर प्राइस चली जाती है। तो एक्टिवा खरीदने के लिए आपके पास इतना पैसा कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा आप होंडा एक्टिवा नहीं खरीदना चाहते हैं, अगर आपको इसका लुक पसंद नहीं आ रहा है, तो सेम इंजन के साथ सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आपको होंडा डियो मिल जाती है, तो उसके साथ भी आप जा सकते हैं। स्पोर्टी लुक के साथ मिल जाएगी, मीटर कंसोल भी थोड़ा सा आपको अलग मिल जाएगा। लेकिन वहीं इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे है, यहाँ पे आपको दो स्कूटर यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है, जो कि टीवीएस जेस्ट 110 है। यहाँ पे इसके जगह पे आप स्कूटी पे प्लस दे सकते हैं। अगर आप जेस्ट लेते हैं तो 110 सीसी के साथ आती है। इसके अलावा जो जेस्ट है इसकी सीट हाइट 760 एमएम की है और इसका जो कर्व वेट है 103 केजी है। लेकिन वहीं अगर आप स्कूटी पे प्लस लेते हैं उसकी जो सीट हाइट है 760 एमएम की है और इसका जो कर्व वेट है 93 केजी है। तो काफी कम वेट के साथ आपको स्कूटी पे प्लस मिल जाती है, जिसको काफी छोटे साइज की स्कूटर चाहिए, सीट हाइट काफी कम हो, स्कूटी पे प्लस के साथ जा सकते हैं। इससे कम हाइट वाली कोई दूसरी स्कूटर आपको इंडियन मार्केट में नहीं मिलेगी। पेट्रोल सेगमेंट की बात कर रहे हैं और इसकी प्राइस भी काफी कम है। बाकी माइलेज की बात करें तो माइलेज भी काफी अच्छी मिल जाती है। 55 केएमपी तक माइलेज मिल जाएगी इसमें। स्कूटी पे प्लस में तो आपको अच्छी खासी माइलेज मिल जाती है, कम सीसी के साथ आती है, केवल 87.8 सीसी का इसमें इंजन दिया गया है। वहीं इनके प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो स्कूटी पे प्लस अगर आप लेते हैं तो 65,514 रुपीज से लेकर 68,414 रुपीज तक इसकी एक्सम प्राइस है। ऑनर प्राइस 78,386 रुपीज से लेकर 81,574 रुपीज तक इसकी ऑनर प्राइस चली जाती है। लेकिन वही अगर आप टीवीएस जेस्ट अगर आप लेते हैं तो इसकी जो एक्सम प्राइस है 73,831 रुपीज से लेकर 75,193 रुपीज तक इसकी एक्सम प्राइस है, जिसकी ऑनर प्राइस लगभग 88,852 रुपीज से लेकर 90,349 यानी कि 88,852 रुपए से लेकर 90,349 रुपए तक इसकी ऑन रोड प्राइस चली जाती है। तो ये लगभग आपको 7 स्कूटर्स ऐसे मिल जाते हैं जिसका वेट भी कम है और सीट हाइट भी आपको कम देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इंडियन मार्केट में कोई दूसरी स्कूटर आपको नहीं मिलेगी जिसकी सीट हाइट कम हो और उसका वेट कम हो। तो यहाँ पे मैंने जिस स्कूटर का सीट हाइट सबसे कम है सबसे आपको आखिरी में जानकारी दिया है, और जिसकी सीट हाइट थोड़ी सी ज्यादा है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो सभी प्रकार के लोगों के लिए यहाँ पे मैंने स्कूटर्स के बारे में आपको जानकारी दे दी है, और ये खासकर गर्ल्स के लिए यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। अगर आप बॉयज होते तो उसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाया है, वहाँ पे थोड़े से स्पोर्टियस सेगमेंट में आपको स्कूटर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा स्कूटर आपको पसंद है या फिर कौन सा आप खरीदने की सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और स्कूटर खरीदने से पहले आपको एक जानकारी जो स्टार्टिंग मैंने आपसे बोला था बताने के लिए, कि आप स्कूटर जब भी परचेस करें जिसके लिए जिस गर्ल्स के लिए या फिर वुमेन के लिए अगर आप खरीदना चाहते हैं उनको शोरूम पे साथ लेकर जाएं, पहले वो खुद बैठकर कंफर्टेबल हो जाएं कि उनके लिए वो स्कूटर कंफर्टेबल है या फिर नहीं है, उसके बाद ही स्कूटर परचेस करें। फ्री में टेस्ट राइड होता है, तो आप शोरूम पे जाकर पहले टेस्ट राइड भी ले लीजिए,
जो भी आप स्कूटर खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।